आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर राज्य मंत्री गन्ना उद्योग विभाग बिहार सह प्रभारी मंत्री गोपालगंज कृष्ण नंदन पासवान के कर कमलों द्वारा मुख्य समारोह स्थल मिंज स्टेडियम गोपालगंज में 9 बजे पूर्वाह्न राष्ट्रीय झंडोत्तोलन किया गया। झंडोत्तोलन के पश्चात झंडे को सलामी दी गई और राष्ट्रगान गाया गया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग बिहार सह प्रभारी मंत्री गोपालगंज द्वारा जिला पदाधिकारी गोपालगंज मोहम्मद मकसूद आलम, पुलिस अधीक्षक गोपालगंज स्वर्ण प्रभात, उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन और वरीय अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों, सैकड़ों छात्र छात्राओं, भारत स्काउट एंड गाइड की टुकड़ी, सैफ और पुलिस बल की महिला और पुलिस टुकड़ी की उपस्थिति में मुख्य समारोह स्थल मिंज स्टेडियम गोपालगंज में झंडा तोलन किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री द्वारा संबोधित करते हुए जिले में कराए जा रहे विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं, विभिन्न विभाग में की गई नियुक्तियों इत्यादि का उल्लेख करते हुए सभी जिले वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी गई। प्रभारी मंत्री, जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड की सलामी ली गई और परेड का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें 9 टुकड़ियां शामिल थीं। वहीं प्रभारी मंत्री, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में महादलित टोला वार्ड नंबर 11 नगर परिषद गोपालगंज में पूर्वाह्न में झंडा तोलन किया गया। इस अवसर पर मंत्री, जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा महादलित बस्ती के बच्चों में कॉपी, पेन और चॉकलेट का वितरण भी किया गया। गोपालगंज शहर की प्रमुख सड़कों पर सैकड़ों युवाओं ने राजद प्रदेश व्यवसायिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मोहित गुप्ता के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली। शहर के जादोपुर मोड़ से यात्रा शुरू हुई, जो जादोपुर रोड, मौनिया चौक, मेन रोड, पुरानी चौक, घोष मोड़ होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची। यहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद यात्रा मौनिया चौक के समीप स्थित शहीद स्तंभ तक पहुंची। यहां जिले के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। अंत में यात्रा थाना चौक पहुंची और यहां स्थित अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। यात्रा में सैकड़ों लोग तिरंगा लेकर भारत माता की जयकारा लगाते हुए निकले। स्वतंत्रता दिवस पर इस भव्य तिरंगे यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए थे। युवाओं को राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने के साथ ही शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की दिशा में संकल्प लिया गया। इस मौके पर अनूप अग्रवाल, अविनाश राजपूत, हैदर नसीम, रहमुद्दीन, संतु कुशवाहा, बंटी सिंह, बिट्टू चौरसिया, प्रवीण कुमार, पीयूष, राजीव कुमार, देवेंद्र चौरसिया, हसन इमाम, पवन सिंह, पाली रहीम, अनुराग श्रीवास्तव, दीपू यादव, रवि यादव, सूरज ठाकुर और संजय शर्मा इत्यादि युवा उपस्थित रहे। देखिए, ये जो हम लोग यात्रा निकाले हैं, सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग ये यात्रा इसलिए निकाले हैं क्योंकि यहाँ पे युवाओं का जो आप सभी जन सैलाब देखे थे इस यात्रा में, ये युवा भी बेचारे त्रस्त हैं इस समय की सरकार से। और बहुत बड़ी चीज है कि उनके लिए आगे का भविष्य, जो हम लोग आजाद भारत में रह रहे हैं, उनको आगे का भविष्य बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिख रहा है। जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि एग्जाम में धांधली वगैरह होना, ये सब बहुत बड़ी चीजें हो रही थी। अभी पॉलिटिकली भी बहुत सारी चीजें हो रही थी जिसके कारण युवाओं का अंधकार, भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। और दूसरा कि हम लोग ये रैली इसलिए निकाले हैं कि ताकि हम लोग हर वर्ग के, हर समाज के, हर लोगों को जोड़ सके और उनको स्वतंत्रता हमें कैसे मिली, क्या मिली, क्यों मिली, इसकी जानकारी दे सके। ये यात्रा हम लोग सभी लोगों को बताने की है कि ये जो हम लोग को आज़ादी मिली है, ये बहुत मुश्किल से मिली है। इसको हम लोग एक आज़ाद देश में रह रहे हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को समझना चाहिए। इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से, कहाँ, कैसे, कहाँ तक? ये हम लोग यात्रा होटल आरपी ग्रैंड से शुरू किए हैं। यहाँ से हम लोग मौनिया चौक गए हैं। मौनिया चौक से हम लोग घोष मोड़ होते हुए अंबेडकर चौक पहुँचे हैं, जहाँ पे हम लोग के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पे हम लोग माला अर्पण किए हैं लोग। फिर वहाँ से हम लोग पोस्ट ऑफिस मोड़ होते हुए
भगत सिंह चौराहा पहुंचे लोग, वहां पर हम लोगों ने भगत सिंह, जो कि हमारे आज़ादी के बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी थे, उस समय के बहुत ही युवा थे, और उनको हम लोगों ने फिर माला अर्पण किया उनके प्रतिमा पे, और फिर वहां से हम लोग अपने वापस गंतव्य पे चले। आगे 18 तारीख को भी कार्यक्रम किए जाएंगे पौधारोपण से। सबसे पहले मेरा 15 तारीख को एक कार्यक्रम है जिसमें हम लोग गरीब बस्ती में जाके वहाँ पे गरीब लोगों को स्वतंत्रता, हमें जो फ्रीडम मिला है उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। वहाँ लोगों को जानकारी देने के बाद हम लोग वहाँ पे झंडा तोलन करेंगे। झंडा तोलन के बाद हम लोग वहाँ गरीब बच्चों के बीच में, जो बच्चे छोटे हैं उनमें स्लेट का वितरण करेंगे, जो बच्चे थोड़े बड़े हैं उनके बीच में किताब और कॉपी का वितरण करेंगे। साथ साथ बच्चों के लिए खाना और जलेबी का भी हम लोग वितरण का प्रोग्राम रखे हुए हैं। 18 तारीख को हम लोग गोपालगंज में कररिया गांव में 100 वृक्ष पेड़ रोपने का काम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग बहुत ही गर्मी से त्रस्त हैं, और अभी भी हम लोग सर्वे में मालूम चला है कि गोपालगंज जिला में सबसे कम वृक्ष हैं। इस चीज के मद्देनजर हम लोग हरियाली, जीवन हमारी हरियाली। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी, अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास, तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट, नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन, एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ, महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज, नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा, कमला राय कॉलेज रोड नियर होटल रालसन गोपालगंज। सीवान जिले का UP और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं, रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शिशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन, मेडिकेयर हॉस्पिटल स्थान, थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम, प्रतीक हीरो, आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टडवा, सिवान। पौधे लगाकर बच्चों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। जी हाँ, आपको बता दें कि कुचायकोट प्रखंड के दुबे खेरिया बाजार स्थित मानव भारती इंटरनेशनल स्कूल में 78वीं स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसमें झंडा तोलन संस्थापक और लोजपा नेता अंशु कुमार मिश्र और स्कूल के निर्देशक खुर्शीद राज ने किया। वहीं स्कूल में आज से तकनीकी शिक्षा का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन पूर्व शिक्षक गांधी जी, रामवदन तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता कौमुद्दीन अंसारी, हरेंद्र तिवारी, डॉक्टर बलिराम दुबे और स्कूल के प्राचार्य सिब्बू सरर पांडे ने संयुक्त रूप से कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। साथ ही स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन इब्ने अली और नंदिनी कुमारी ने करवाया, और साथ ही बच्चों के द्वारा 100 पौधे लगाया गया, जिससे धरती हरी भरी हो
तथा मौसम भी अनुकूल हो, इसकी जागरूकता भी फैलाया गया। बच्चों ने आम, जामुन, अशोक, अमरुद इत्यादि का पौधा लगाया, जिसमें चांदनी, आफरीन, रिंकी श्रीवास्तव, अशोक पांडे सहित सभी शिक्षक और दर्जनों ग्रामीण सम्मिलित हुए। वाजिद, जीविका कार्यालय पर जीविका प्रबंधक, बीआर पर बीयू व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरजीत प्रसाद, पशु चिकित्सालय पर पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रभाकर प्रवीण, मध्य विद्यालय माझागढ़ में प्रधानाध्यापक अजीत राय, माधव उच्चतर विद्यालय माझागढ़ में प्राचार्य शमशाद अली, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिकी, माझागढ़ थाना में थाना प्रभारी संग्राम सिंह, सफापुर पंचायत में पंचायत भवन पर मुखिया सह मुखिया संघ के अध्यक्ष मंटू सिंह, गौसिया पंचायत में पंचायत भवन पर मुखिया रागनी मिश्रा, जगन्नाथ पंचायत भवन पर मुखिया अनीता कुमारी उर्फ रेखा कुमारी, पुरानी बाजार उच्च विद्यालय में प्रधान प्राचार्य दीनानाथ आर्य, नव सृजित विद्यालय भैंसई धमई तत्व टोला में प्रधानाध्यापक छोटेलाल राम ने झंडा तोलन किया। इस मौके पर भाजपा नेता मनोज कुमार श्रीवास्तव, संतोष सिंह, जदयू नेता प्रमोद पटेल, राजद नेता मोहम्मद कासिम सहित स्वास्थ्य कर्मी अविनाश कुमार, ओमकेश्वर श्रीवास्तव, सुरेंद्र बैठा, संजय कुमार श्रीवास्तव, चालक दीनानाथ सिंह, एसआई सोमदेव कुमार झा, सत्यम प्रसाद, मुकेश कुमार, शिक्षक सोनू अली, अंबुज सिन्हा, सौरभ कुमार, पत्रकार राजेश प्रसाद, सुदेश प्रसाद, अखिल कुमार सहित सैकड़ों जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ पीएचडी माझा में ताला लटके रहने के कारण तथा पीएचडी कार्यालय परिसर में जंगल झाड़ी में तब्दील रहने तथा पीएचडी के बाहर चार दीवारी के भूमि अतिक्रमण कर मांस विक्रेता और अन्य व्यवसायियों के द्वारा दुकान रखकर व्यवसाय करने का तथा स्वतंत्रता दिवस पर माझा पीएचडी के कनी अभियंता के द्वारा झंडा तोलन नहीं करने से खिन्न जनप्रतिनिधियों ने मीडिया कर्मों से शिकायत किया, ताकि खबर प्रकाशित होते ही पीएचडी के कनी अभियंता पर प्रकाशन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर भाजपा नेता मनोज कुमार श्रीवास्तव, संतोष सिंह, जदयू नेता प्रमोद कुमार पटेल, अमरेंद्र बारी, ब्रजकिशोर सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता अहद अली, पूर्व मुखिया अशोक कुमार सहित दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने पीएचडी माझा के कनी अभियंता के प्रति कड़ा रोष जताया है। गोपालगंज में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक 15 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यह हादसा महिचा गांव के समीप हुआ है, जो उचका गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जानकारी के अनुसार युवक अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, जब एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे में इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही 112 पुलिस और उचका गांव थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन गुस्साए परिजनों ने ईटवा पुल के समीप हाईवे को जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि यह हादसा लापरवाही के कारण हुआ है और वे आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। जाम के कारण हाईवे पर यातायात बाधित हो गया, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। वहीं घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सके। घर से झंडा फहरा कर 6 बजे के टाइम में निकलना है घर से। गाड़ी वाला टेम्पू वाला चढ़ा दिलवे टेम्पू वाला आपके भाग गई वाले कहाँ पे चढ़ा था? महिचा नौका गाँव नौका टोला। क्या नाम है जो मृतक है? क्या नाम है? मृतक अभिषेक कुमार। तो आप लोग रोड क्यों जाम किए हुए हैं? रोड जाम किए हैं? तो मतलब क्या मांग है मतलब आप लोगों के? मौजाद है। क्या नाम होगा आपका? तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। नमस्कार।